हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है। द फॉलोइंग आर द वेट्स इन केजीज ऑफ 8 स्टूडेंट्स। ओके, 8 स्टूडेंट का वेट गिवन है आपके सामने। फर्स्ट आपको फाइंड द एवरेज वेट निकालना, बिल्कुल आसान है फर्स्ट वाला। तो एवरेज वेट आ जाओ 50 + 44.5 48.7 45.1 50.4 43 51 49.3 डिवाइड बाई 8। अब आपको ऐड करना है तो पहले पॉइंट्स के पहले वाला ऐड कर लो। 50 और 44 कितना हो गया? 94। 48 45 कितना हो गया? सही हो गया हमारे पास 93। सही है। 8 5 13 1 4। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना आप कैसे ऐड करते हो। 50 और 51 कर लेते हैं पहले, 101। 43 और 49 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 43, ये हो गया 50। 90 92, समझ रहे हो तरीका एक बार क्या है? 4 5 7 सेवन, एक मिनट, क्या हो गया ये? 4 5 6 9 10। ओके, 380। पॉइंट के बाद वाले पॉइंट देखो, 0.5 और 0.7 कितना हो गया ये? 0.12 नहीं होगा, 1.2 होगा। ये देखो कैसे, 0.5 0.7, ये 0 0 इस तरीके से करते हो ना ऐड पर, बता रहा हूँ कितना हो गया 12। 1.2 होता है ये। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना कैलकुलेशन पर, कॉमर्स वाले हो, कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो कोई मतलब नहीं आपके कॉमर्स का, सीरियसली। कितना हो गया ये? 0.5 और ये 0.8, 1.2 और 0.8, कितना हो गया ये? 2.0। इस पर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 382 डिवाइड बाई 8। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, है ना? 8 से डिवाइड करना है डायरेक्टली आपको इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 32 62 62 12 6। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 47.75 kg इज योर एवरेज वेट। क्या हो गया ये आपका एवरेज वेट? अब बताओ कोई डाउट है क्या? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला पर, सेकंड स्लाइड पर देखते हैं। देखो इसका ये वाला कॉपी कर लेना एक बार आराम से पॉज करके, है ना? इफ अ टीचर हुज वेट इज 62, ओके, इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देन वॉट विल बी द एवरेज वेट? ओके, तो हमें क्या करना है? इफ वी एड 62 kg इन लास्ट 8 स्टूडेंट्स वेट, देन एवरेज वेट, देन एवरेज वेट इज, थोड़ा ध्यान लगाना। अब आपको एक्चुअल में 9 जो है, 8 स्टूडेंट्स प्लस 1 मिला के 9 जो है अपने ऑब्जर्वेशन हो गई है। 8 तो ये पहले भी, अब मुझे वापस यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन लिख के प्लस 9th ऑब्जर्वेशन 62 लिखने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही 8 ऑब्जर्वेशन का जो है सम लिख देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? सम ऑफ 8 स्टूडेंट्स वेट प्लस 1 टीचर वेट। समझ में आया कैलकुलेशन में कैसे टाइम बचाना? डिवाइड बाय, अब कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? 8 + 1 9 हो गए ये, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पीछे वाले कितने थे ये? कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए अरे कहाँ गए भाई? 382। अच्छा ये रहा, 382 + 62 डिवाइड बाय 9, बस ये आपको पकड़ना है। 6 2 2 4 8 6 14 1 4 3 4 डिवाइड बाय 9। समझ में आया कैसे किया? ये 6 ये 2 या 2 2 4 8 6 14 1 4 और 3 4। अब आप 9 से इसको डिवाइड कर दो सिंपल। ये देखो 4 36 कितना हो गया? 14 8 4 81 1 1 by 9 kg। देख रहे हो भाई, 9 से अपन ने 4 4 4 को किया। मिक्स फ्रैक्शन में पता है ना कैसे लिखते हैं? तो 9 4 36 हुआ, 14 6 8 हुआ, 9 9 81 हुआ, 3 बचा 3 by 9। ओ सॉरी, यहाँ पे 1 था ना, 3 आएगा ये। ओके ओके, 3 by 9। अब आप इसको कट कर लो वापस, 3 1 3 3 3 9,
तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 49:1/3 kg। बताओ समझ में आया क्या, आ गया अच्छे से। ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आप सॉल्व करना, आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको इसी में लिखना है, अपन पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज वेट हो गया फाइनली। क्लियर है, ये सेकंड वाले का आंसर हुआ। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, पता नहीं क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।